हेलो इन्वेस्टर्स। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल चालू किया जहां पे मैं इंट्राडे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल देता हूं और वो बहुत सही जा रही हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां पे जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो गाइस बात कर लेते हैं शेयर के बारे में। तो इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि जो श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड है वो 1985 की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 357 करोड़ के आसपास का है और गाइस इसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ के आसपास बनती है। 52 वीक हाई इसका 15 रुपीज़ के पास में है और लो 3 रुपीज़ के पास में है और पी रेशियो इसका 1.18 है। तो गाइस इसके बारे में लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मुझे करे कि अब इसमें क्या करना चाहिए। ये देखिए एक महीने में इसने कितना क्या किया है। एक महीने के अंदर इसने 25% का लॉस दिया है और 3 महीने में इसने प्रॉफिट दिया है 150 के करीब। लेकिन अभी अभी इसका फ्यूचर क्या होगा, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करने लायक कंपनी है या नहीं है। तो गाइस ये एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, अपर सर्किट लोअर सर्किट की रहती है हमेशा। और गाइस जो इसका एक सब्सिडियरी कंपनी है श्रेय इक्विपमेंट, उसका IPO आने वाला था कुछ दिनों पहले, लेकिन कुछ मार्केट कंडीशन कोरोना के हिसाब से और इतना मार्केट में लॉस चल रहे हैं अभी उसके हिसाब से इनका IPO अभी आ नहीं पाया। लेकिन कंपनी इतनी कोई छोटी नहीं है, पुरानी कंपनी है तो उसका वो आएगा ही आएगा और वो इसी से रिलेट करती है, इसकी सब्सिडियरी है वो। और गाइस बात कर लेते हैं इस शेयर के बारे में। ये एक अंडर वैल्यू शेयर है, अभी ये करंट इसका 7.10 पे चल रहा है लेकिन इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ के अराउंड है। और फाइनेंस की कंपनी है गाइस, ये फाइनेंस की कंपनी, अभी हर एक कंपनी ऐसे ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी ऐसा चल रही है। मैंने बहुत सारी शेयर देखे हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मार्केट के हिसाब से ये शेयर अभी अंडर वैल्यू है। आपको ये लेने के लिए मैं सलाह ज़रूर दूंगा कि आप इसे बाय कर लीजिए। आने वाले कुछ 3 से 4 महीने में इसका 7 से 8 to 9 रुपीज़ जा सकता है, जो कि बहुत बढ़िया है। छोटा शेयर है, 500 से 1000 रुपये भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रख देते हैं तो आपको 2 या 3 महीने में या हो सकता है 1 महीने में कभी भी कुछ भी प्रॉफिट मिल सकता है। मार्केट जैसे भी उठेगी ये शेयर उठेगा, कंपनी का फंडामेंटल भी इतना कोई ख़राब नहीं है, फंडामेंटल भी सही है और कंपनी भी छोटी नहीं है, कंपनी भी बड़ी है। ऐसे तो स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन फिर भी इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस प्रिडिक्शन इसकी ये रहेगी कि आपको इसे मंडे मार्केट में आपको देख के बाय कर लेना है। अगर ये लोअर सर्किट में जाता है तो हमें वेट करना है कि कहाँ तक ये जाएगा और जैसे ही इसके अंदर फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आज हमको देखने को मिली थी इसके अंदर 7.10 के आसपास, वैसे ही अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, अगर ये 6 रुपीज़ के अराउंड जाता है हमको तब भी यहाँ पर बाय कर लेना है और नहीं जाता फिर भी हमें इसे बाय करना है और 2 से 3 महीने के लिए छोड़ देना है। अगर पहले छोड़ना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर यहीं पर यूट्यूब के ऊपर उसकी कॉल दे दूँगा जो आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। और गाइस ऐसे ऐसे वीडियो आती रहेंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।